शांति, आज 16 अगस्त 2020 अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 7 मार्च 1986 के महावाक्य हैं, पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट का यथार्थ यादगार महाशिवरात्रि। आज ज्ञानदाता, भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के वरदाता, सर्व खजानों से भरपूर करने वाले भोलानाथ बाप अपने अति स्नेही सदा सहयोगी समीप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। यह मिलन ही सदा काल का उत्सव मनाने का यादगार बन जाता है, जो भी भिन्न भिन्न नामों से समय प्रति समय उत्सव मनाते हैं, वह सभी इस समय बाप और बच्चों के मधुर मिलन, उत्साह भरा मिलन भविष्य के लिए उत्सव के रूप में बन जाता है। इस समय आप सर्वश्रेष्ठ बच्चों का हर दिन, हर घड़ी, सदा खुशी में रहने की घड़ियां व समय है। तो इस छोटे से संगम युग के अलौकिक जीवन, अलौकिक प्राप्तियां, अलौकिक अनुभवों को द्वापर से भक्तों ने भिन्न भिन्न नाम से यादगार बना दिए हैं। एक जन्म की आपकी यह जीवन भक्ति के 63 जन्मों के लिए याद का साधन बन जाती है। इतनी महान आत्माएं हो, इस समय की सबसे वंडरफुल बात यही देख रहे हो, जो प्रैक्टिकल भी मना रहे हो और निमित्त उस यादगार को भी मना रहे हो, चैतन्य भी हो और चित्र भी साथ साथ है। 5000 वर्ष पहले हर एक ने क्या क्या प्राप्त किया, क्या बने, कैसे बने, यह 5000 वर्ष का पूरा अपना यादगार चित्र और जन्मपत्री सभी स्पष्ट रूप में जान गए हो, सुन रहे हो और देख देख हर्षित हो रहे हो कि यह हमारा ही गायन पूजन, हमारे जीवन की कथाएं वर्णन कर रहे हैं। ओरिजिनल आपका चित्र तो बना नहीं सकते हैं, इसलिए भावना पूर्वक जो भी टच हुआ वह चित्र बना दिया है। तो प्रैक्टिकल शिव जयंती तुम रोज मनाते ही हो, क्योंकि संगम युग है ही अवतरण का युग, श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ चरित्र करने का युग। लेकिन बेहद युग के बीच में यह यादगार दिन भी मना रहे हो। आप सबका मनाना है मिलन मनाना, और उन्हों का मनाना है आह्वान करना, उन्हों का है पुकारना और आपका है पा लेना। वह कहेंगे आओ और आप कहेंगे आ गए, मिल गए। यादगार और प्रैक्टिकल में कितना रात दिन का अंतर है। वास्तव में यह दिन भोलानाथ बाप का दिन है। भोलानाथ अर्थात बिना हिसाब के अनगिनत देने वाला। वैसे जितना और उतने का हिसाब होता है, जो करेगा वह पाएगा, उतना ही पाएगा, यह हिसाब है। लेकिन भोलानाथ क्यों कहते, क्योंकि इस समय देने में जितने और उतने का हिसाब नहीं रखता। एक का पदम गुणा हिसाब है, तो अनगिनत हो गया ना, कहां एक कहां पदम। पदम भी लास्ट शब्द है, इसलिए पदम कहते हैं। अनगिनत देने वाले भोले भंडारी का दिन यादगार रूप में मनाते हैं। आपको तो इतना मिला है जो अब तो भरपूर हो ही
लेकिन 21 जन्म 21 पीढ़ी सदा भरपूर रहेंगे, इतने जन्मों की गारंटी और कोई नहीं कर सकता। कितना भी कोई बड़ा दाता हो, लेकिन अनेक जन्म का भरपूर भंडारा होने की गारंटी कोई भी नहीं कर सकता। तो भोलानाथ हुआ ना, नॉलेजफुल होते भी भोला बनते हैं, इसलिए भोलानाथ कहा जाता है। वैसे तो हिसाब करने में एक एक संकल्प का भी हिसाब जान सकते हैं, लेकिन जानते हुए भी देने में भोलानाथ ही बनता है। तो आप सभी भोलानाथ बाप के भोलानाथ बच्चे होना, एक तरफ भोलानाथ कहते, दूसरे तरफ भरपूर भंडारी कहते हैं। यादगार भी देखो कितना अच्छा मनाते हैं। मनाने वालों को पता नहीं, लेकिन आप जानते हो जो मुख्य इस संगम युग की पढ़ाई है, जिसकी विशेष चार सब्जेक्ट है, वह चार ही सब्जेक्ट यादगार दिवस पर मनाते आते हैं। कैसे, पहले भी सुनाया था कि विशेष इस उत्सव के दिन बिंदु का और बूंद का महत्व होता है। तो बिंदु इस समय की याद अर्थात योग के सब्जेक्ट की निशानी है। याद में बिंदु स्थिति में ही स्थित होते हो ना, तो बिंदु याद की निशानी और बूंद ज्ञान की भिन्न भिन्न बूंदे। इस ज्ञान के सब्जेक्ट की निशानी बूंद के रूप में दिखाई है, धारणा की निशानी। इसी दिन विशेष व्रत रखते हैं, तो व्रत धारण करना, धारणा में भी आप दृढ़ संकल्प करते हो, तो व्रत रखते हो कि ऐसा सहनशील व अंतर्मुख अवश्य बन के ही दिखाएंगे। तो यह व्रत धारण करते हो ना, यह व्रत धारणा की निशानी है और सेवा की निशानी है। जागरण सेवा करते ही हो, किसको जगाने के लिए, अज्ञान नींद से जगाना, जागरण करना, जागृति दिलाना, यही आपकी सेवा है। तो यह जागरण सेवा की निशानी है। तो चार ही सब्जेक्ट आ गई ना, लेकिन सिर्फ रूपरेखा उन्होंने स्थूल रूप में बदल दी है। फिर भी भक्त भावना वाले होते हैं, और सदा ही सच्चे भक्तों की यह निशानी होगी कि जो संकल्प करेंगे उसमें दृढ़ रहेंगे। इसलिए भक्तों से भी बाप का स्नेह है। फिर भी आपके यादगार को द्वापर से परंपरा तो चला रहे हैं, और विशेष इस दिन जैसे आप लोग यहाँ संगम युग पर बार बार समर्पण समारोह मनाते हो, अलग अलग भी मनाते हो, ऐसे ही आपके इस फंक्शन का भी यादगार वह स्वयं को समर्पण नहीं करते, लेकिन बकरे को करते हैं, बलि चढ़ा देते हैं। वैसे तो बाप दादा भी हंसी में कहते हैं कि यह मैं-मैंपन का समर्पण हो, तब समर्पण अर्थात संपूर्ण बनो, बाप समान बनो। जैसे ब्रह्मा बाप ने पहला पहला कदम क्या उठाया, मैं और मेरापन का समर्पण समारोह माना। किसी भी बात में मैं के बजाय सदा नेचुरल भाषा में, साधारण भाषा में भी बाप शब्द ही सुना, मैं शब्द नहीं। बाबा करा रहा है, मैं कर रहा हूँ नहीं। बाबा चला रहा है, मैं कहता हूँ नहीं। बाबा कहता है, हद के कोई भी व्यक्ति या वैभव से लगाव
यह मेरापन है तो मेरेपन को और मैंपन को समर्पण करना, इसको ही कहते हैं बलि चढ़ना। बलि चढ़ना अर्थात महाबली बनना, तो यह समर्पण होने की निशानी है। तो बाप दादा भक्तों को एक बात की आफरीन देते हैं, किसी भी रूप से भारत में व हर देश में उत्साह की लहर फैलाने के लिए उत्सव बनाए तो अच्छे है ना, चाहे 2 दिन के लिए हो या 1 दिन के लिए हो, लेकिन उत्साह की लहर तो फैल जाती है ना, इसलिए उत्सव कहते हैं। फिर भी अल्पकाल के लिए विशेष रूप से बाप के तरफ मेजॉरिटी का अटेंशन तो जाता है ना, तो इस विशेष दिन पर क्या विशेष करेंगे। जैसे भक्ति में कोई सदाकाल के लिए व्रत लेता है और कोई में हिम्मत नहीं होती है, तो 1 मास के लिए, 1 दिन के लिए या थोड़े समय के लिए लेते हैं, फिर वह व्रत छोड़ देते हैं। आप तो ऐसे ही नहीं करते हो ना, मधुबन में तो धरनी पर पाँव नहीं है, और फिर जब विदेश में जाएंगे तो धरनी पर आएंगे या ऊपर ही रहेंगे, सदा ऊपर से नीचे आकर कर्म करेंगे या नीचे रहकर कर्म करेंगे। ऊपर रहना अर्थात ऊपर की स्थिति में रहना, ऊपर कोई छत पर नहीं लटकना है, ऊंची स्थिति में स्थित हो कोई भी साधारण कर्म करना अर्थात नीचे आना, लेकिन साधारण कर्म करते भी स्थिति ऊपर अर्थात ऊंची हो, तो बाप भी साधारण तन लेता है ना, कर्म तो साधारण ही करेंगे ना, जैसे आप लोग बोलेंगे वैसे ही बोलेंगे, वैसे ही चलेंगे, तो कर्म साधारण है, तन ही साधारण है, लेकिन साधारण कर्म करते भी स्थिति ऊंची रहती, ऐसे आपकी भी स्थिति सदा ऊंची हो। जैसे इस दिन को अवतरण का दिन कहते हो ना, तो रोज अमृत वेले ऐसे ही सोचो कि निंद्रा में नहीं शांति धाम से कर्म करने के लिए अवतरित हुए हैं, और रात को कर्म करके शांति धाम में चले जाओ, तो अवतार अवतरित होते ही है श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। उनको जन्म नहीं कहते हैं, अवतरण कहते हैं, ऊपर की स्थिति से नीचे आते हैं, यह है अवतरण। तो ऐसी स्थिति में रहकर कर्म करने से साधारण कर्म भी अलौकिक कर्म में बदल जाते हैं। जैसे दूसरे लोग भी भोजन खाते और आप कहते हो ब्रह्मा भोजन खाते हैं, फर्क हो गया ना, चलते हो लेकिन आप फरिश्ते की चाल चलते, डबल लाइट स्थिति में चलते, तो अलौकिक चाल अलौकिक कर्म हो गया। तो सिर्फ आज का दिन अवतरण का दिन नहीं, लेकिन संगम युग ही अवतरण दिवस है। आज का दिन आप लोग बाप दादा को मुबारक देते हो, लेकिन बाप दादा कहते हैं पहले आप, अगर बच्चे नहीं होते तो बाप कौन कहता, बच्चे ही बाप को बाप कहते हैं, इसलिए पहले बच्चों को मुबारक। आप सब बर्थडे का गीत गाते हो ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, बाप दादा भी कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे की मुबारक तो बच्चों ने बाप को दी, बाप ने बच्चों को दी, और मुबारक से ही पल रहे हो। आप सबकी पालना ही क्या है,
बाप की परिवार की बधाइयों से ही पल रहे हो, बधाइयों से ही नाचते गाते पलते उड़ते जा रहे हो। यह पालना भी वंडरफुल है, एक दो को हर घड़ी क्या देते हो। बधाइयां है और यही पालना की विधि है। कोई कैसा भी है वह तुम बाप दादा भी जानते हैं, आप भी जानते हो कि नंबरवार तुम होंगे ही। अगर नंबरवार नहीं बनते फिर तो सतयुग में कम से कम 1.5 लाख तख्त बनाने पड़े, इसलिए नंबरवार तो होने ही है। तो नंबरवार होना है, लेकिन कभी कोई को अगर आप समझते हैं कि यह रॉन्ग है, यह अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो रॉन्ग को राइट करने की विधि या यथार्थ कर्म नहीं करने वाले को यथार्थ कर्म सिखाने की विधि, कभी भी उसको सीधा नहीं कहो कि तुम तो रॉन्ग हो। यह कहने से वह कभी नहीं बदलेगा। जैसे आग बुझाने के लिए आग नहीं जलाई जाती है, उसको ठंडा पानी डाला जाता है, इसलिए कभी भी उसको पहले ही कहा कि तुम रॉन्ग हो तो वह और ही दिल शिकस्त हो जाएगा। पहले उसको अच्छा अच्छा कह करके थमाओ तो सही, पहले पानी तो डालो फिर उसको सुनाओ कि आग क्यों लगी। पहले यह नहीं कहो कि तुम ऐसे हो, तुमने यह किया। पहले ठंडा पानी डालो, पीछे वह भी महसूस करेगा कि हाँ आग लगने का कारण क्या है और आग बुझाने का साधन क्या है। अगर बुरे को बुरा कह देते तो आग में तेल डालते हो, इसलिए बहुत अच्छा कह करके पीछे उसको कोई भी बात दो तो उसमें सुनने की धारण करने की हिम्मत आ जाती है। इसलिए सुना रहे थे कि बहुत अच्छा यही बधाइयां है। जैसे बाप दादा भी कभी किसको डायरेक्ट रॉन्ग नहीं कहेगा, मुरली में सुना देगा राइट क्या है रॉन्ग क्या है। लेकिन अगर कोई सीधा आकर पूछेगा भी कि मैं रॉन्ग हूँ, तो कहेगा नहीं तुम तो बहुत राइट हो, क्योंकि उसमें उस समय हिम्मत नहीं होती है। जैसे पेशेंट जा भी रहा होता है, आखिरी सांस होता है, तो भी डॉक्टर से अगर पूछेगा कि मैं जा रहा हूँ, तो कभी नहीं कहेगा हाँ जा रहे हो, क्योंकि उस टाइम हिम्मत नहीं होती। किसकी दिल कमजोर हो और आप अगर उसको ऐसी बात कह दो, वह तो हार्ट फेल हो ही जाएगा। अर्थात पुरुषार्थ में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं आएगी। तो संगम युग है ही बधाइयों से वृद्धि को पाने का युग। यह बधाइयां ही श्रेष्ठ पालना है, इसलिए आपके इस बधाइयों की पालना का यादगार जब भी कोई देवी देवता का दिन मनाते हैं तो उसको बड़ा दिन कह देते हैं। दीपमाला होगी, शिवरात्रि होगी, तो कहेंगे आज बड़ा दिन है। जो भी उत्सव होंगे उसको बड़ा दिन कहेंगे, क्योंकि आपकी बड़ी दिल है तो उन्होंने बड़ा दिन कह दिया है। तो एक दो को बधाइयां देना यह बड़ी दिल है, समझा। ऐसे नहीं कि रॉन्ग को रॉन्ग समझाएंगे, नहीं, लेकिन थोड़ा धैर्य रखो। इशारा तो देना पड़ेगा, लेकिन टाइम तो देखो ना, वह मर रहा है और उसको कहो मर जाओ तो टाइम देखो
उसकी हिम्मत देखो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा कहने से हिम्मत आ जाती है, लेकिन दिल से कहो ऐसे नहीं, बाहर से कहो तो वह समझे कि मेरे को ऐसे ही कह रहे हैं। यह भावना की बात है, दिल का भाव रहम का हो तो उसके दिल को रहम का भाव लगेगा। इसलिए सदा बधाइयां देते रहो, बधाइयां लेते रहो। यह बधाई वरदान है। जैसे आज के दिन को गायन करते हैं, शिव के भंडारे भरपूर काल कंटक दूर, तो आपका गायन है सिर्फ बाप का नहीं, सदा भंडारा भरपूर हो। दाता के बच्चे दाता बन जाओ। सुनाया था ना, भक्त है लेवता और आप हो देने वाले देवता। तो दाता माना देने वाले, किसी को भी कुछ थोड़ा भी देकर फिर आप उनसे कुछ ले लो तो उसको फील नहीं होगा, फिर कुछ भी उसको मना सकते हो, लेकिन पहले उसको दो, हिम्मत दो, उमंग दिलाओ, खुशी दिलाओ, फिर उससे कुछ भी बात मनाने चाहूं तो मना सकते हो। रोज उत्सव मनाते रहो, रोज बाप से मिलन मनाना, यही उत्सव मनाना है तो रोज उत्सव है। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को संगम युग के हर दिन के अवतरण दिवस की अविनाशी मुबारक हो। सदा बाप समान दाता और वरदाता बन, हर आत्मा को भरपूर करने वाले मास्टर भोलानाथ बच्चों को सदा याद में रहे, हर कर्म को यादगार बनाने वाले बच्चों को सदा स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ बच्चों को विशेष आज के यादगार दिवस शिव जयंती, सुब्राह्मण जयंती, हीरे तुल्य जयंती, सदा सर्व को सुखी बनाने की, संपन्न बनाने की जयंती की मुबारक और याद प्यार और नमस्ते वरदान है। हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। कर्म शुरू करने के पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आह्वान करूं, मालिक बनकर ऑर्डर करूं, क्योंकि यह सर्व शक्तियां आपकी भुजा के समान है। आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकती। ऑर्डर करूं, सहन शक्ति कार्य सफल करूं, तो देखूं सफलता हुई पड़ी है। लेकिन ऑर्डर करने के बजाय डरते हूं कर सकेंगे व नहीं कर सकेंगे, इस प्रकार का डर है तो ऑर्डर चल नहीं सकता। इसलिए मास्टर रचयिता बन, हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए निर्भय बनो। स्लोगन है, सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। ओम शांति।